Es que agora só. Ai, aí ela. Sorry, मैंने रंग में भंग पा दी. मतलब अभी लास्ट में क्या बच्चे दे रहा, कितना क्यूट था ये लास्ट वाला. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रिएक्ट करने वाले हैं बीडीएस, जिमिन एंड वी, फ्रेंड्स. ये सॉन्ग है उनका, लाइव वीडियो है ये, इंग्लिश लिरिक्स वाली. तो आज हम ये चेकआउट करने वाले हैं. ये गाइस हमारे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की थी चेकआउट करने के लिए, थैंक फॉर सजेस्टिंग. उन्होंने कहा था वी और जिमिन का फ्रेंड सॉन्ग सुनो, तो मैंने ये सर्च किया. तो वैसे तो लिरिक वीडियो अकेली आनी थी, तो फिर मैंने कहा चलो परफॉर्म भी देख ही लेंगे साथ में, इस पे इंग्लिश सबटाइटल थे, तो आज हम ये देखने वाले हैं. है तो हम फर्स्ट टाइम जिमिन और वी का फ्रेंड सॉन्ग देखने वाले हैं. शायद पहले वी और जिमिन का कौन सा सॉन्ग आया है कोई, कल अकेले जिमिन वी का शायद नहीं सुना हमने. चलो आइए देखते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3 सबटाइटल ऑन. अच्छा सबटाइटल होते हैं. दुश्मनी भी बड़ी छेती पैदी, दुश्मनी वैसे नहीं, मतलब हेट लव रिलेशनशिप जैसा फ्रेंड्स के साथ. ये गाना सिरा आ गया है, तो सिरा मतलब सिक है, सिक फिर आ गया. बट एक मिनट क्विक पॉज. दोनों वैसे भी मुझे काफी पसंद आते जब एक दूसरे के बैक एंड फोर्थ जाते, वैसे सारे ही पसंद आते हैं, बट ये इसलिए अच्छा लग रहा. इन्होंने ऑफिशियल सॉन्ग निकाला है सिक कि नहीं, मतलब मुझे वो नहीं पक्का पता. ये वाला हम देख रहे हैं मैं तो, बट लिरिक्स में देख रहा ज्यादातर, तो मेनली लिरिक्स पे फोकस है. ये इनकी तो पर्सनल वाला है. ये वाला काफी जट्टा अच्छी दिया, पता नहीं. मैं रंग में भाग पाऊ. उसने कहा भी पिंक की तरह स्टेट गैदर, मान लो उंगल कटी है. सॉरी मतलब मैंने रंग में भंग पा दी, मतलब मैंने सॉन्ग तहस नहस कर दिया. सॉरी ये अच्छा वाला सॉन्ग था, मैं पता नहीं किधर ले गया. पिंकी काट दो. सॉरी गलत सोच आ रही, पता नहीं क्यों. सिंगिंग काफी अच्छी ब्लेंड है, मुझे बहुत मजा आता है मैं सारों की. अभी इस पे मुझे काफी कुछ कहना है, तो मुझे काफी पसंद आ रहा है. तो इसका कॉरस ये क्या निकाल के दिया. अच्छा वो डम्पलिंग वाला आंसर कुछ इसका नहीं, इंग्लिश में दिया. अभी लास्ट में क्या बच्चे दे रहा, कितना क्यूट था ये लास्ट वाला. मुझे काफी, अभी मैं बताता हूँ ठीक है.
काफी आर्ट टचिंग लगा मुझे तो, मतलब पता नहीं क्यों ये सॉन्ग मुझे काफी पसंद है वैसे तो. और जो वी की वैसे वाय थोड़ी मतलब ऐसी है, और जिमिन को है नहीं होता मुझसे इम्प्रेशन नहीं होगा, मतलब आप समझ रख सकते हैं अभी कैसा मैं कहना चाहता हूँ. तो इनकी वाय काफी अच्छी जुड़ जाती है, मतलब है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर नहीं तो सॉरी. तो बेसिकली अच्छी वाय बन जाती है. और हम लिरिक्स की बात करते हैं, लिरिक्स काफी सीख थे, मुझे बहुत पसंद आई. हालांकि मैंने बीच में थोड़ा सा चीची काटने वाला कर दिया और पता नहीं क्यों दिमाग वहां गया चला, बट सॉरी वो मुझे पता मैंने रंग में भंग डाली, ऐसे मुझे हिंदी में यही आता और कुछ नहीं. चलो उसको इग्नोर करो जो मैंने चीची वाली लाइन बोली, बट वैसे ये लास्ट वाला मुझे काफी सीख लगा, इनके लिरिक्स काफी सीख लगे मुझे तो. वैसे तो लिरिक्स क्यूट थे इन डिफरेंट वे, हो ना आप समझ सकते किस वे से क्यूट थे. और लास्ट वाला मेरा ज्यादा फेवरेट था जब वी ने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसने कोई अच्छी चीज कही थी. वी का एक्सप्रेशन और जिमिन का भी ये चीज मुझे ज्यादा लगी, पता नहीं अभी मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, बट आपको भी लगी होगी उसके लिए वर्ड्स नहीं होते है ना. सिंगिंग तो ऑलरेडी हमें पता ही है, वो तो फैक्ट ही है, अच्छी है. ये सॉन्ग मुझे वह काफी पसंद आया, इसमें ज्यादा मैं लिरिक्स पे अटेंशन पे कर रहा था क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद आई. लाइव जो हमने देखी परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्म करते हैं और ज्यादा मतलब बूस्टअप कर दिया. अगर हम सिर्फ लिरिक्स पढ़ते होते तो थोड़ा सा हो जाना था, इसमें एक्सप्रेशन भी उनके ना और बूस्टअप कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं एक्सपीरियंस को, तो मुझे काफी पसंद आया वैसे तो. थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग. वैसे मैं मुझे पहले काफी दिन से मतलब रिकमेंड कर रहे थे ये सॉन्ग, वैसे तो भी चेकआउट करो मैं पोस्टपोन करता, बट आज मिला टाइम, अभी मैंने चेकआउट किया तो मतलब वर्थ इट था, काफी सिक सॉन्ग था. मुझे लगा मतलब फैन मेड होगा कोई सॉन्ग शायद, मे बी, बट नहीं फैन मेड तो नहीं होता भी. जैसे लाची मुलाला सॉन्ग था ना, मुझे लगा वैसा होगा, मतलब मीम से बना होगा. वह मुझे 50-50 था, मीम से भी बना हो सकता है, इन्होंने भी गाया हो सकता है, तो अभी पता लग गया इन्होंने गाया है तो सिक था. मुझे काफी पसंद आया. थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अगेन. यूजली मैं तो सॉन्ग सुनता हूँ ज्यादा, आपको पता ही है बूम बूम वाले, बट काम अच्छे सॉन्ग भी सुनने चाहिए मुझे पता है, तो मुझे पसंद आया. मतलब मेन लिरिक्स ने मुझे अट्रैक्ट किया ज्यादा देर, तो वोकल्स तो सीख है ही, वो फिर मत ये कहना आपको वोकल्स नहीं पसंद आई, ये क्या बात है, वोकल्स तो पता ही है, लिरिक्स न्यू है. मतलब वी का हमें पता है, अभी सारी हमने वोकल नहीं देख रखी है शायद, मतलब ज्यादातर हमने वी के सॉन्ग सुने हैं, जिमिन के सुने हैं, मुझे सॉन्ग काफी पसंद आया. फिर मैं कह रहा हूँ 5-6 बारी कह गया, तो थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अगेन. अभी थर्ड बारी कह गया, सॉरी मेरे पास और वर्ड नहीं है, अब मैं क्या कहूँ. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय.